हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोड फिट लैब। आज एक सप्लीमेंट का रिव्यू करेंगे और सप्लीमेंट है प्री वर्कआउट सप्लीमेंट। बेसिकली प्री वर्कआउट सप्लीमेंट मैं सबको रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आप दिन भर बहुत ज़्यादा काम करते हो तब जाके प्री वर्कआउट यूज़ कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा एनर्जी आपको बूस्ट करेगा। बट अगर आप बिजनेसमैन हो, घर पे रहते हो, या फिर आपका बाहर फील्ड में कोई काम नहीं है, आप रिलैक्स में हो, तो प्री वर्कआउट के जगह आप क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट यूज़ कर सकते हो। प्री वर्कआउट जो है उसको जितना कम आप यूज़ कर सकते हो वो बेटर है आपके लिए। और एक बात, प्री वर्कआउट ज़्यादा दिन यूज़ मत कीजिए, क्योंकि प्री वर्कआउट का जो इफेक्ट रहता है वो ज़्यादा दिन यूज़ करने के बाद आपका नींद का जो स्लीपिंग जो टाइम होता है उसमें प्रॉब्लम लाता है। फिर भी मैं बोलता हूँ, आज ये जो मैंने सप्लीमेंट जो है ऑक्सिन न्यूट्रिशन का, ये सप्लीमेंट का मैं रिव्यू करूँगा। बेसिकली मैं प्री वर्कआउट यूज़ करता हूँ 2 महीने, फिर 2 महीने ऑफ, फिर 2 महीने, फिर 2 महीने ऑफ, ऐसे करके मैं साइकिल पे जाता हूँ। और वो जो 2 महीने रहता है उसमें मैं पूरा जो 2 महीने का जो प्री वर्कआउट मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको मैं डिटॉक्स कर देता हूँ, बॉडी से निकाल देता हूँ। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि क्या कैसा ये ऑक्सीजन न्यूट्रिशन का प्री वर्कआउट। और एक बात, जो जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग का हेल्प मुझे डेफिनेटली चाहिए। देखिए, ये ऑक्सीजन न्यूट्रिशन का जो प्री वर्कआउट है, इसका जो फ्लेवर है, बेसिकली ये फ्लेवर था आपका रेड बेरी फेस्ट। तो ये रेड बेरी का फ्लेवर है, जहाँ पे मैंने इसको क्यों चूज़ किया। एक बात आप लोग को पता है कि सप्लीमेंट्स का जो खर्चा है बॉडी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा है। अगर उसको थोड़ा बजट में ला सकते हैं तो हम लोग के लिए बहुत बेनिफिट है, राइट? तो देखिए इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया गया। बेसिकली ये जो सप्लीमेंट है इसको मैंने लास्ट वीक यूज़ किया पूरा, उसके बाद ही मैं रिव्यू दे रहा हूँ, और मुझे जो लगा मैं उसके बारे में बोलूँगा। इसमें कोई मेरा ये प्रोमोशनल वीडियो नहीं है, मैंने यूज़ करके मुझे जो फील हुआ मैं वही आप लोग को डिलीवर करूँगा। बेसिकली टेस्ट जो है उतना खास भी नहीं है, थोड़ा कड़वा है, आपको जब मुंह में जाएगा तो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। पहले ही मैं जो ख़राब चीज़ है वो मैंने बोल दिया। नाउ मैं अभी स्टार्ट करता हूँ कि इसका मेन जो इंग्रेडिएंट्स है जो मुझे हेल्प किया वर्कआउट में। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मेन जो एडेड जो चीज़ है वो है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। ये क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट एडेड है और कैफीन का जो मात्रा है वो थोड़ा कम है। तो क्या हुआ, आपका कैफीन का जो डोज रहता है, मतलब जब आप कैफीन इंटेक कर रहे हो ज़्यादा तब आपको प्रॉब्लम देता है नींद में, तो यहाँ पे क्रिएटिन का मात्रा ज़्यादा है, जिसके लिए आपका जो टोटल जो आपका नींद का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, मतलब उतना आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। नाउ कैफीन कितना है आपका, नेचुरल कैफीन यूज़ किया गया जो है 325 mg, बट क्रिएटिन है आपका 500 mg, तो आपको पता चल गया कि क्रिएटिन इसमें ज़्यादा है, जिसके लिए आपका एटीपी बूस्ट होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और आप वेट लिफ्ट करने में आपको हेल्प करता है। उसके बाद क्या है, BCAA इसमें एडेड है, तो आपको अलग से वर्कआउट के दौरान BCAA लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रैंकली बोल रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग ये सप्लीमेंट को प्री वर्कआउट यूज़ कीजिए या फिर इंट्रा वर्कआउट करते करते आप यूज़ कर सकते हो इसको। उसके बाद इसमें है एल-आर्जिनिन, जो आपका बॉडी में ब्लड फ्लो को ज़्यादा करता है और वास्कुलरिटी जो होता है वो आपको लाता है। तो आप समझ गए हो, अगर इसको आप यूज़ कर रहे हो तो आपको एनर्जी दे रहा है, उसके साथ साथ आपका वास्कुलरिटी भी मेंटेन करने में आपको हेल्प कर रहा है। इसमें और एक क्या चीज़ है, बीटा एलालाइन, जो आपका पंप लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। लास्ट जो इंग्रेडिएंट्स है वो है L-citrulline-D-malate, मतलब ये भी जो है ये आपका बॉडी में भयंकर पंप लाएगा, और जो बॉडी आपको महसूस होगा कि आप वर्कआउट किए हो और मसल के अंदर ब्लड फ्लो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आपको पॉजिटिव वाइब लगेगा कि हाँ आप कुछ किए हो जिम जाके। तो ये चार मेन इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ किया गया। और एक चीज़ है जो विटामिन सी, जो अभी ये जो कोरोना वायरस का जो सिचुएशन है इस टाइम विटामिन सी का बहुत ज़रूरत है हम लोग के बॉडी में, तो इसमें विटामिन, तो मैं रिकमेंड करूंगा अगर इसको यूज़ कर रहे हो तो अलग से कोई विटामिन सी आप यूज़ मत कीजिए। नाउ इसका मेन रीज़न था इसका परचेस करने का कि इसका जो प्राइस है ये 1000 के अंदर, मतलब मुझे ये पड़ा था आपका 899 में, और इसमें जो प्रिंटेड है वो 2250 है। तो ओवरऑल अच्छा है, टेस्ट मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, और
एक बार चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोग को कि कैसा है ये। और एक बात कि इसमें आपका 250 ग्राम का पाउच है ये, और 10 ग्राम का स्कूप है, तो आपका ये 25 दिन जाएगा। तो आपको 1000 के अंदर एक प्री वर्कआउट जो 25 दिन जा रहा है, तो बहुत सस्ता है, बहुत रिजनेबल है। मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि आप लोग ट्राई कर सकते हो इसको, क्योंकि आफ्टर 1 वीक मुझे ऐसा सच कुछ रिएक्शन नहीं आया, या फिर मुझे कुछ नींद में प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो सेफ है, मैं बोल सकता हूँ, आप लोग यूज़ कर सकते हो। मैंने बहुत सारा इससे भी बेटर प्री वर्कआउट मैंने यूज़ किया, जो नाइट्राफ्लेक्स है, या फिर मसल टेक का जो सप्लीमेंट आता है प्री वर्कआउट, वो वाला मैंने यूज़ किया। तो सब मिला के मैंने जो देखा कि ये अभी काम चल जा रहा है इससे। तो प्रोडक्ट भी अच्छा है, ऑक्सीजन का नाम भी है मार्केट में, तो आप यूज़ कर सकते हो, ये हेल्प होगा। और चलिए देख लेते हैं कि प्रोडक्ट कैसा है, मतलब पानी में कैसा दिखता है।